किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से जुट चुका है और इसी के चलते हमीरपुर जिला के ज्योली देवी कस्बे में बड़सर विधानसभा के क्षेत्र में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले में किसानों को प्राकृतिक खेती बाड़ी करने के लिए प्रेरित किया गया तो मिट्टी की जांच से लेकर जैविक खेती करने के बारे में प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बड़सर उपमंडल के ज्योली देवी कस्बे में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों किसानों ने भी हिस्सा लिया। कृषि विभाग द्वारा आए दिन जिला के विभिन्न ब्लॉकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने साकार करने के लिए किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि 2022 तक किसानों की आय में दोगुना वृद्धि हो। किसानों की आमदनी 2020 तक दोगुनी करने को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से जुट चुका है और इसी के चलते हमीरपुर जिला के ज्योली देवी कस्बे में आज बड़सर विधानसभा के क्षेत्र में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले में किसानों को प्राकृतिक खेती बाड़ी करने के लिए प्रेरित किया गया तो मिट्टी की जांच से लेकर जैविक खेती करने के बारे में प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा भी मौजूद रहे। किसान मेले के दौरान आए हुए किसानों ने भी सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने की जानकारी हासिल की। वहीं किसान मेले के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी में किसानों ने दिलचस्पी दिखाते हुए जानकारी हासिल की। ये सारी चीजें आपको बतानी, सरकार किसान बागवानों के कल्याण के लिए बहुत से अतिथि कृषि विभाग के किसान अवतार सिंह ने कहा कि किसान मेले के दौरान मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में बताया गया और बताया गया कि किस तरह से किसान खेती बाड़ी करें ताकि आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। सर, आज ज्योली देवी मंदिर में कृषि विभाग का कैंप लगा हुआ है। इसमें हमें कृषि विभाग के द्वारा मिट्टी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई, जिसमें सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में बताया गया, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के बारे में बताए गए हैं और हमें कृषि विभाग के द्वारा बीज सब्जियों के बीज जो हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के कैंपों का आयोजन हर जगह होना चाहिए, हर पंचायत में होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को ये जोड़ना चाहते हैं वो किसान हैं। किसान हर जगह मौजूद है, क्योंकि किसान ही इस किसान को जोड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि किसान के लिए हर जगह जो है ऐसे कैंप लगने चाहिए। वही किसान भगवती देवी और चंचलो देवी ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा आज गांव में किसान मेले का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के शिविरों से किसानों को अच्छी जानकारी मिलती है। उन्होंने बताया कि शिविर में भी मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में बताया गया, जिसमें किसानों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। इसका जो विभाग मिट्टी और गोबर का बता रहे हैं ज्योली देवरानी में, वो अच्छी हमारे को पहले भी इन्होंने दिया है और अच्छा जमीन है हमारी, सिलेक्ट हुई है, इसमें हमारे को अच्छी सुविधा मिल रही है कि हम ऐसे करें और ये कर कमाएं। और यहाँ क्या विभाग द्वारा यहाँ बीज भी बांटे जा रहे हैं? हाँ जी, बीज भी दिए हैं, पहले भी दिए हैं उनको, हमने बीजा है अच्छी, उनसे भी हम ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जो मटर दिए हैं हम मटर भी ले रहे हैं, आगे और देंगे तो हम खुद आप उनकी ये करेंगे। बता रहे हैं कि जमीनों में कितनी कितनी खाद डालनी है। हमारी जो जमीन है वो डबरानी में आई और हमारी ब्लॉक में पहले नंबर पे हमारी जमीन सिलेक्ट हुई थी और उन्होंने हमें बताया कि इतनी इतनी खाद डालनी है, उसमें गोबर ज़्यादा डालना है और जो ये बाहर से टीम आई हुई है ये हमें सब कुछ बता रही है कि आपने जमीन जो भी फसल लगानी है उसमें कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कितनी मात्रा में खाद डालनी है। तो जो हम इनसे पहले भी एग्रीकल्चर वालों से जो मटर वगैरह गोभी जो भी हमने इनसे चीज़ें ली थी बहुत शानदार चीज़ें थी और आज भी हमें शायद कोई ना कोई चीज़ें देंगे ये, तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ज्योली देवी में कैंप लग रहा है और हमारी जो डबराणी वाली जमीन है वो पहले नंबर पे आई हुई है। मैडम, क्या इस तरह के कैंप जो है कि और जगह भी लगाने चाहिए विभाग को? हाँ जी, और जगह भी लगाने चाहिए ताकि किसान जो है वो जागरूकता उनको ज़्यादा हो और जो भी है। कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।